चलिए नेक्स्ट चैप्टर का रिविजन चालू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है असेसमेंट एवरी वन ओवर नाउ असेसमेंट्स असेसमेंट का मतलब क्या होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं ध्यान गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी टैक्स सेस और एनी अदर अमाउंट सो पेबल इफ एनी अंडर दिस एक्ट और द कस्टम टिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रेफरेंस टू क्या क्या देखोगे असेसमेंट करने के समय सर टैरिफ क्लासिफिकेशन देखना वैल्यू देखना exemption देखना कंसेशन देखना क्वांटिटी वेट वॉल्यूम मेजरमेंट और एनी अदर स्पेसिफिक ओरिजिन देखना क्योंकि प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा एनी अदर स्पेसिफिक इन फैक्टर एंड इट इंक्लूड असेसमेंट इंक्लूड व्हाट सर सेल्फ असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट और एनी अदर असेसमेंट वे ड्यूटी इज निल। याद रखिएगा कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन असेसमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं सर ये सेल्फ असेसमेंट और रीअसेसमेंट क्या होता है राइट ए नोट पे। सर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एंट्रिंग द गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 46 और 50 शिपिंग बिल ठीक है सर शैल सेल्फ असेस द ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल जब आप फाइल कर रहे हो तो सर आप सेल्फ असेस करोगे ड्यूटी उसके बाद पीओ उसको वेरीफाई करेगा प्रॉपर ऑफिसर मे वेरीफाई द एंट्रीज यू मेड फॉर दिस एग्जामिन और टेस्ट गुड्स कर सकता है वो और याद रखिएगा प्रोवाइजो सेलेक्शन ऑफ केसेस फॉर वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क एवेलुएशन किया जाता है हर केस को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑटो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम क्लियरेंस ऑर्डर ऑटोमेटिकली देता है लेकिन अगर आप बहुत रिस्की टाइप ऑफ पर्सन हो तो सर उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा ही मे वेरीफाई द बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल उसके बाद बोला है पीओ में रिक्वायर द इमोर्ट एक्सपोर्टर टू प्रोड्यूस एडिशनल डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन आप दीजिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर पीओ को सब कुछ सही लगा तो पीओ इश्यू कर देगा क्लियरेंस ऑर्डर अगर उसको कुछ गड़बड़ लगा तो सर रीअसेसमेंट कर देगा रीअसेसमेंट करने के बाद आपको बोलेगा क्या आप एक्सेप्ट करते हो एक्सेप्ट करते हो तो बेटा डिफरेंशियल ड्यूटी दे देना क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया जाएगा लेकिन अगर आप करते हो तो बोलेगा बेटा मैं आप पास करने वाला हूं रीअसेसमेंट ऑर्डर एंड रीअमेंट ऑर्डर पास कर देगा विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल रीअसेसमेंट ऑर्डर हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा ठीक है सर अब जाना है तो अपील में जा सकते हो सर प्रोविजनल असेसमेंट चलिए नेक्स्ट असेसमेंट है प्रोविजनल असेसमेंट सर प्रोविजनल असेसमेंट शुड ऑलवेज बी रेड विद कस्टम फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2018 ठीक है सर सर कौन से कौन से सरकमस्टेंसेस में प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकते हैं बाबा अगर इंपोर्टर इज अनएबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट देन ही मे रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर कि सर आप मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए मैं असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूं सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूं ठीक है पीओ टीम से नेसेसरी ट गुड्स आर सब्जेक्ट टू केमिकल टेस्ट पीओ बोल रहा है आप जो गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए हो उस पर हमको केमिकल केमिकल टेस्ट टेस्ट कराना है बाबा कराएगा तो तो मैं बोलूंगा प्रोविजनली तो गुड्स मेरे को दीजिए तो प्रोविजनली आपको गुड्स क्लियर करके दे देगा सर उसके बाद बोला है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन स्टिल पीओ वॉन्ट्स टू मेक फर्दर इंक्वायरी यस सर आपने सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं दिए और पीओ को लग रहा है कि इंक्वायरी करना है तो इस केस में क्या करेगा

तो सर ये क्या करेंगे प्रोविजनली आप बोलोगे सर हमारे गुड्स तो हमें दे दो प्रोविजनली डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते रहना प्रोविजनली गुड्स क्लियर कर दो तो सर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे देगा और गुड्स क्लियर कर देगा अब पंद्रह दिन में क्या करेगा पीओ इन्फॉर्म करेगा कि हमें क्या क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट चाहिए तो सर पीओ बताएगा फिर पंद्रह दिन में नेक्स्ट पंद्रह दिन में आप इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दिएगा अगर नहीं करा पाए तो तीन महीने का एक्सटेंशन दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर ठीक है सर अगर तीन महीने में भी अवेलेबल नहीं कराया तो फर्दर तीन महीने का एक्सटेंशन कौन देगा एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर सर अगर फर्दर तीन महीने में भी नहीं करा पाया तो बाबा कमिश्नर एक्सटेंशन देगा एज द टाइम कमिश्नर डीम्स फिट जितना कमिश्नर को सही लगे उतना टाइम कमिश्नर दे सकता है उसके बाद एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए बेटा इन्फॉर्म कर देना प्रॉपर ऑफिसर को कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए अब एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया पीओ को इन्फॉर्म कर दिया इन राइटिंग तो उसके बाद क्या होगा या इंटीमेट आपने उसको कर दिया तो पीओ आप दो महीने में फाइनलाइज कर देगा असेसमेंट या अगर दो महीने में नहीं कर पाया तो फर्दर एक्सटेंशन तीन महीने का दे सकता है कमिश्नर एक बार असेसमेंट फाइनलाइज हो गया तो सर अब फाइनलाइजेशन पे क्या होगा अगर असेसमेंट फाइनलाइज हो गया इन केस ऑफ गुड्स विच आर क्लियर फॉर होम कंजम्पन और एक्सपोर्ट सर प्रोविजनल अमाउंट इज ग्रेटर देन फाइनल असेसमेंट तो सर आपको रिफंड मिलेगा रिफंड पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट मिलेगा अगर प्रोविजनल असेसमेंट इज लेस देन फाइनल असेसमेंट अमाउंट तो जो शॉर्ट अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा सर

दो महीने में पीओ सेल फाइनलाइजमेंट दो महीने में नहीं कर पाया तो फर्दर तीन महीने का एक्सटेंशन कौन दे सकता है कमिश्नर दे सकता है एक बार फाइनलाइज हो गया तो सर ऑन फाइनलाइजेशन अगर प्रोविजनल अमाउंट इज ग्रेटर देन फाइनल अमाउंट तो एक्सेस अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा प्रोविजनल अमाउंट इज लेस देन फाइनल अमाउंट तो जो शॉर्ट पे किया था वो पे करना पड़ेगा अगर सर वेयर हाउस गुड्स का मामला है तो सर उस केस में फाइनल अमाउंट अमाउंट ग्रेटर देन प्रोविजनल अगर है डिफरेंशियल के लिए आपको एडिशनल बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा सर एक बात याद रखिएगा जब भी प्रोविजनल असेसमेंट करता है पीओ प्रोविजनल असेसमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मतलब आपसे पहले एक बॉन्ड एंड सिक्योरिटी लेगा बॉन्ड में आप अंडरटेकिंग दोगे कि जो भी अमाउंट होगा फाइनल असेसमेंट में पे करूंगा वो बोलना पड़ेगा एंड सर सिक्योरिटी एज मतलब जो पीओ बोलेगा उतना सिक्योरिटी देना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी जो फाइनल असेसमेंट में डेफिशिएंसी होगा वो पे करने के लिए आपको साथ में सिक्योरिटी देना पड़ेगा सिक्योरिटी कैन बी ए बैंक गारंटी और कैश डिपोजिट एज कन्वीनियंट सर फाइनलाइजेशन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर शॉर्टफॉल है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा

असेसमेंट है इसके जो प्रोविजन है ये जो रेगुलेशन है इसके प्रोविजन अगर आपने किए तो पेनल्टी अपू फिफ्टी थाउजेंड आप पे लग सकता है ठीक है सर उसके बाद आया अनजस्ट मतलब एंडीचमेंट आप ये रिफंड मांगने गए जब आपको फाइनलाइजेशन हुआ और रिफंड दे दिया गया तो रिफंड याद रखिएगा हमेशा रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाता है लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में आपको दिया जाता है मतलब अनजस्ट एंडीचमेंट अपलिकेबल नहीं होता है

पोर्ट ऑफ इंपोर्ट यूजिंग ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्मेंट ऑल्सो रेफर टू ए वर्चुअल आप एक दूसरे को नहीं जानेंगे यूजेज ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू सेपरेट द कस्टम असेसमेंट प्रोसेस फ्रॉम द फिजिकल लोकेशन ऑफ ए कस्टम ऑफिसर एट द पोर्ट ऑफ अराइवल ठीक है सर दिस मेजर विल

कस्टम वुड रिव्यू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टेड एक्सपोर्ट ओवर ए गिवेन पीरियड ऑफ टाइम एंड चेक ऑल रेलिवेंट रिकॉर्ड चेक ऑल कमर्शियल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टाई दर्टिकुलरेशन जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया था वो आपने सही दिया था या नहीं दिया था प्रेमाइस द डिपार्टमेंट टू ब्रिज द कम्युनिकेशन ब्रिज द कमिकेशन डिवाइड एंड असर इन टू ए न्यू एयरा ऑफ पार्टनरशिप विद ट्रेड ठीक है सर सर मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट अब मैं पढ़ाने वाला हूं कैसे ऑडिट होगा सर पीओ में कैरी द ऑडिट ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स और ऑडिटी सर ऑडिटी कौन कौन हो सकता है किसका किसका ऑडिट हो सकता है ऑडिटी मीन पर्सन सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर दिस सेक्शन मतलब 99 ए ए सर सेक्शन में जिसका ऑडिट हो सकता है उसको बोलते हैं ऑडिटी इंक्लूड्स इंपोर्टर एक्सपोर्टर कस्टोडियन लाइसेंसी ऑफ ए वेर हाउस और एनी अदर पर्सन कंसर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन क्लियरिंग फॉरवर्डिंग इन क्लियरिंग फॉरवर्डिंग स्टॉकिंग कैरिंग सेलिंग परचेजिंग ऑफ इंपोर्टेड एक्सपोर्ट और ड्यूटीएबल गुड्स ठीक है सर ये सब ऑडिट इनका ऑडिट हो सकता है नेक्स्ट सर ऑडिट किसका होगा ऑडिट करने के लिए रिस्क बेस्ड असेसमेंट के हिसाब से ऑडिटी को ढूंढा जाएगा कौन बहुत रिस्की है उसका ऑडिट किया जाता है तो हमेशा डेज प्रायर नोटिस दिया जाएगा ऑडिट स्टार्ट होगा ऑडिट कहां हो सकता है पीओ के ऑफिस में भी हो सकता है भी हो सकता है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हो सकता है आपके ब्रांच ऑफिस में हो भी हो सकता है आपके वेयर हाउस फैक्ट्री एक्सेट्रा जहां बेसिकली आपने गुड्स और बुक्स रखे हैं वहां का ऑडिट किया जा सकता है ठीक है प्रेमाइस बेस्ड ऑडिट थर्टी डेज प्लस थर्टी डेज एक्सटेंशन में कंप्लीट करना होता है ठीक है सर ड्यूरिंग ऑडिट पीओ में रिक्वेस्ट टू ऑडिटिश डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड पता है आपको ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू ए ट्रांजेक्शन आपको पांच साल के लिए हमेशा प्रिजर्व करके रखने हैं क्योंकि ऑडिट हुआ तो ऑडिट aud से डिपार्टमेंट मांग लेता है ठीक है PO में इंस्पेक्ट इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और ड्यूटेबल गुड एट और रिक्वेस्ट सैंपल हो सकता है आई टी वो एक्सपर्ट वगैरह का भी हेल्प ले सकता है ऑडिट ही क्या करेगा ऑडिटी जब प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट कर रहा है तो उसको असिस्टेंट देगा एंड टू प्रॉपर ऑफिसर एंड टीम इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एंड नॉट टू रिफ्यूज और ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्ट देम उनको नहीं करेगा आने नहीं दूंगा ये सब मत करना ठीक है एक बार ऑडिट कंप्लीट हो गया तो प्रॉपर ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा प्रॉपर ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन और, और फाइंडिंग फाइंडिंग्स वगैरह बताएगा बिफोर प्रिपेयरिंग एन ऑडिट रिपोर्ट टू प्रोवाइड हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑफर विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलेगा हमारे ऑडिट फाइंडिंग है आप बता दीजिए आपका क्या क्लरिफिकेशन वगैरह है अगर ऑडिटी अग्री करता है और वॉल्ट्रिली जो भी ड्यूटी वगैरह देना है वो दे देता है ठीक है सर वेरी गुड है उसके बाद पीओ बनाएगा ऑडिट रिपोर्ट उसमें फाइंडिंग्स वगैरह बताएगा बोलेगा हमने क्या ऑब्जेक्शन रेस किया और सामने वाले पार्टी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया वो भी बताएगा ठीक है सर उसके बाद मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है एनी ऑडिटी हु कॉन्ट्रावेंस दिस प्रोविजन ऑफ ऑडिट रेगुलेशन जो प्रोविजन है तो सर पेनल्टी अपि थाउजेंड लगाया जा सकता है उसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो बेटा मैंने क्या किया है जहां जहां मैंने स्टार्ट लगाया है वो वो लिख देना दो कहां कहां लगाया है सर एडवांस नोटिस दिया जाएगा पंद्रह दिन का अगर बेस्ड ऑडिट है सर रिस्क बेस्ड असेसमेंट विल आइडेंटिफाई किसका ऑडिट होना है अगर ऑडिट प्रोविजन कॉन्ट्रावीन हुए तो पचास हजार का पेनल्टी लगेगा सर अगर ऑडिटर चाहे तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट का पर्सन है वो अगर चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट या आई एक्सपर्ट का हेल्प भी ले सकता है ठीक है सर ऑडिट के जो ऑडिट के नहीं जो आपके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जनरली होते हैं वो पांच साल तक आपको मेंटेन करने होते हैं ठीक है सर अगर आप अग्री करते हो ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑडिट फाइंडिंग से तो बेटा वॉलेंट्री पेमेंट कर देना आधर फुल और पार्ट में ठीक है सर ये होते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ठीक है सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद सेक्शन नंबर नाइनटी नाइन बी आता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस देयर ऑफ मतलब आधार ऑथेंटिकेशन जैसा बात बोल रहे हैं सर नाइनटी नाइन बी बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस देयर ऑफ कंप्लायसराइज बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम मे मे फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग कंप्लायंस अंडर दिस एक्ट तो सर मैंने क्या बोला यहां पे मैंने बोला प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम फॉर का स्मगलर हुआ तो, तो सर इफ इंसिडर इज नेरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड प्रिवेंटिंग स्मगलिंग टू डू सर क्या करेगा आधार ऑथेंटिकेशन करेगा कॉमा

सैक्शनिंग ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देगा एग्जाम फ्रॉम ड्यूटी नहीं देगा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो इसके अंडर एक्ट के अंडर आपको दिया गया है वो कैंसिल कर देगा समझ लीजिए एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा यहां हमारा असेसमेंट एंड ऑडिट अंडर कस्टम्स कंप्लीट होता है इसका तीन मार्क का क्वेश्चन कभी कभी असेसमेंट एंड ऑडिट से पूछ लेते हैं बेटा मैंने जहां जहां क्वेश्चन मार्क प्लेस किए हैं वो सारे पॉइंट तो आपको एटलीस्ट देख के जाने ही हैं, राइट एवरीवन